नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरे पास एक सेट आया है वीडियोकॉन का, जो कि मॉडल नंबर ये BAA22HH, ये जो है डेड कंडीशन में है, जिसका ये पावर सप्लाई फॉल्ट है। इसे LCD में जो प्रॉब्लम है वो है MOSFET और SMD, एक चिप IC होती है जो मॉस्फेट को ड्राइव करती है। वो फॉल्ट, चूँकि फॉल्ट है और वो अलग से अवेलेबल ना होने की वजह से, देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। यहाँ सबसे पहले एक बात जान लें कि किसी फॉल्ट को ट्रेस करने से पहले जो है उसे आप उसके एक एक वोल्टेज को, जहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए, जैसे हमारा ये गेट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज पावर सप्लाई में, और जो ड्राइवर को वर्क करने के लिए सप्लाई होती है, और ड्राइवर से आउट होने वाले जो स्विचिंग पल्स हैं, उसे मल्टीमीटर से ठीक से पहले देख लें कि आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है। तो उसके बाद एक निर्णय जो निकालेंगे कि हमको क्या करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे वोल्टेज सारे टेस्ट करने के बाद जो है एक निर्णय विकल्प जो है सामने आया है कि वहाँ पे एक मॉड्यूल लगाया जाए सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, और वो मॉड्यूल जो DM0556STR का आता है, जैसा कि हम अभी दिखाएंगे, जो कि यहाँ लगाने के लिए हम पहले इसे हम डिस्चार्ज करते हैं मेंस फिल्टर को। डिस्चार्ज करने के बाद ये मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही फेमस है इस समय, जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलता है इससे। ये जो है 0556 का है, जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। ये आपका जो है 24 इंच तक के में यूज कर सकते हैं आप, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अब कैसे लगाएंगे यहाँ पे, वैसे सभी को मालूम होगा कि इसको लगाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। अगर नहीं मालूम है तो हम इसका एक वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे देख लीजिए इसे हम कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखें, इस मॉड्यूल में कुल 5 वायर होते हैं, जिसमें से ये आपको हम बता दें, ये येलो, ब्लैक, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ये 5 कलर होते हैं। और ये पांचों कलर का जो अलग अलग वो है, तो सबसे पहले ये आप देख लें, ये जो ग्रीन कलर है वो मेंस फिल्टर के पॉजिटिव लाइन पे लगता है, जो वहाँ पे 300 वोल्ट बनता है, और ब्लैक हमारा जो है निगेटिव मेंस फिल्टर पे ही लगेगा, और ये येलो जो है ये जहाँ से ये हमारा ग्रीन, जहाँ से ये 300 वोल्ट इन होता है और दूसरे वाले पॉइंट पे जहाँ ड्रेन जुड़ती है मॉस्फेट की, वहाँ पे येलो वाला वायर लगेगा। और उसके बाद जो है बचा हमारा रेड, रेड ये ऑक्सिलरी सप्लाई है, जो कि उसी ट्रांसफार्मर SMPS के जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है वहाँ पे ये रेड कलर जुड़ेगा, जहाँ पे 4060 डायोड लग के जो ड्राइवर को इंटरनल STR की सप्लाई देती है वहाँ पे जुड़ेगा। फिर उसके बाद बचा हमारा व्हाइट वायर, व्हाइट वायर हमारा ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे जुड़ेगा, जहाँ से हमारी ये वोल्टेज सेंसिंग होती है कि सेकेंडरी को कितना वोल्टेज चाहिए, उसी के अनुसार जो है ये ऑपरेटिंग होती है सप्लाई की। हम पावर सप्लाई पे एक वीडियो आपको अलग से स्पेशली उसके डायग्राम के द्वारा देंगे, जिसमें आपको सारी डिटेल ऑप्टो कपलर का और SMPS का उसमें दे देंगे। तो ये हमारा जो
वीडियोकॉन 22 इंच का है, तो इस पे देखिए ये आपको वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखा रहे, सारे वोल्टेज एक्चुअल जो थे वो बन गए हैं, अपने अपने जगह पे सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, इसमें कहीं से कुछ नहीं करना पड़ा मॉड्यूल के अलावा। और ये देखें, ये इसकी जो है बैकलाइट है एलसीडी, जो काफ़ी ओल्ड मॉडल है वीडियोकॉन की 22 इंच की। ये मदरबोर्ड है, ये हम इसलिए दिखाते हैं कि जिससे आपको जब वो सेट खोलिएगा तो आपको एक पहचान होगी कि इसका बैकलाइट और मदरबोर्ड किस तरीके से था जिस सेट में हम लगाए हैं, इसलिए हम सारी डिटेलिंग जो है इसी वीडियो में दे देते हैं। अब देखिए इसे ऑन करते हैं, ये देखिए टीवी ऑन हो गई, ये हमारा सेट ओके। ये कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, सेट ओके। ये इनका जो वर्टिकल लाइन आ रहा है ये पहले से था, ये पैनल संबंधित फॉल्ट है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये मॉडल नंबर है इसका वीडियोकॉन का। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।